चलो अब स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, सॉल्यूट सॉल्वेंट किसको कहते हैं सब चीज़ पढ़ लिया था मैंने, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ाया था। आज जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आखिर ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है? ठीक है, आइए देखते हैं क्या चीज़। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रेफर्स टू द रिलेटिव अमाउंट ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट। सॉल्यूट के बारे में बोल रहा है ये, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जनरली हम लोग सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, और कभी कभी क्या होता है सॉल्वेंट के केस में, विथ रिस्पेक्ट टू क्या चीज, सॉल्यूशन। कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन उसी को कहते हैं बाब, या आप लिख सकते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या कभी कभी क्या लिखते हैं सॉल्वेंट। कभी कभी क्या, मैं बता भी देता हूं कहां पे। ये तो फॉर्मूला हो गया बाबू। सॉल्यूशन जनरली आप हमेशा यूज करते हैं, जनरली यूज्ड, जनरली यूज्ड, हम लोग इसी को यूज करते हैं। सॉल्वेंट केवल एक ही जगह यूज होता है, ओनली यूज्ड इन मोलालिटी। आगे पढ़ाऊंगा इसका, मोलालिटी क्या होता है सब चीज पढ़ाऊंगा। ओनली एक ही जगह यूज होता है, वो कहां यूज होता है, मोलालिटी में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो लिखा जाए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए बाबू, उसके बाद हम लोग लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कंसंट्रेशन समझ गए, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहां देखिएगा, लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग, आइए देखते हैं। देखा जाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत वेरियस वेज हैं। आइए कैसे कैसे देखते हैं। फर्स्ट है परसेंटेज वेट बाय वेट, फर्स्ट। सेकंड है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, थर्ड है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, ऐसा। नेक्स्ट अगला है ग्राम पर लीटर, इसको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है, ग्राम पर लीटर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मोलारिटी, नेक्स्ट मोलालिटी, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट ppm, नेक्स्ट नॉर्मेलिटी। इस तरह इतने तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, मैं आपको यहां बता दूं बाबू कि नॉर्मलिटी जो होगा, नॉर्मलिटी में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर का यूज होता है, नॉर्मलिटी मैं टाइट्रेशन में पढ़ाऊंगा, टाइट्रेशन वो अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसमें पढ़ाऊंगा, मैंने इसी के साथ चलते रहेगा, उस टॉपिक भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मीन्स नॉर्मलिटी उसमें पढ़ाऊंगा, मीन्स अप टू यहाँ तक मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू NCERT यहीं तक दिया हुआ है, इसको मैं अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर इसको पढ़ाने गया तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पढ़ते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, या इसको ऐसे लिखते हैं परसेंटेज W बाय W। याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये बहुत ही ट्रिकी होता है। ट्रिकी का मतलब इससे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल जाएगा आपको कि आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। छोटा एक लाइन में लिखा रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो परसेंटेज, पहली बात बताइए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कैसे निकलता है परसेंटेज, ठीक है। एक तरबूज ले लीजिए बाबू, ठीक है, तरबूज को 4 पार्ट्स में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और एक पार्ट मैंने निकाल के आपको दे दिया खाने के लिए, खिला के पढ़ा रहा हूं, सही है। चलिए एक पार्ट मैंने दे दिया, इसका मतलब आप कितना परसेंट खा लिए, आप बोलेंगे 25%। क्या किए, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट इज इक्वल टू 25%, 1/4 × 100, सही है। बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे भी, जितना आपने खाया पहले खाया, अब बाय क्या किए, टोटल, किसी भी चीज़ को जो यूज़ किया बाय टोटल कीजिए, × 100 कर दीजिए, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज, या जितना यूज किए बाय टोटल, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मीन्स बोले कितना फ्रैक्शन, तो 1/4 फ्रैक्शन का आपने खाया, जो खाया बाय टोटल फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए क्या चीज़ से, 100 से, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है बाबू। यहाँ देखिएगा परसेंटेज वेट बाय वेट, देखिए क्या होता है बाबू, समझने वाली बात है, जो फर्स्ट रहेगा दैट इज फॉर सॉल्यूट, ये सॉल्यूट को डिनोट करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन। तो ये क्या चीज को दिखाएगा, सॉल्यूट को, और ये क्या दिखाएगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, इसी को करते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको मास परसेंटेज भी कहा जाता है, इट्स कॉल्ड मास परसेंटेज, क्योंकि मास का यहां पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, कैसे यहां देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात, इसको डिफाइन कैसे किया जाए, बहुत ही इजी है, ये क्या है, सॉल्यूट, और ये क्या है, सॉल्यूशन। ये परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना पार्ट्स होगा उसका, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, याद करने की जरूरत ही नहीं है बाबू, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा बताइए अमाउंट क्या चीज में है, वेट में है, तो वेट का मतलब क्या चीज, ग्राम में होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी गिवन अमाउंट नहीं, प्रेजेंट इन, वहां तो हम लोग लिख दिए ना परसेंटेज, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ व्हाट, सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा बाबू, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट, उसी को हम लोग कहेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, जैसे यहां लिख दिया परसेंटेज W बाय W लिख दिया मैंने, लिख लीजिएगा, इसको मास परसेंटेज भी कहा जाता है बाबू, ठीक है। यहां देखिएगा
ऊपर में क्या लिखा, वेट ऑफ क्या चीज, सॉल्यूट, ग्राम में होगा, वेट है ही तो, और नीचे में वेट ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन। अगर केवल इतना ही लिखा दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। मास का ये क्या हुआ, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं आप, इंडिविजुअल बाय टोटल दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। तरबूज जो खाए तो वन बाय क्या चीज, फोर, फ्रैक्शन ही है, इनटू 100, ये आपका हुआ। कोई दिक्कत नहीं। देखिए बाबू, अब भूलिए ये कहाँ लिखा हुआ रहता है, तो आप बहुत सारा दवा हुआ खाते होंगे ना, उसके पीछे देखिएगा जरूर परसेंटेज डब्लू बाई डब्लू वगैरह लिखा रहेगा, डब्लू बाई डब्लू, डब्लू बाई भी सब लिखा रहता है, लेकिन हम लोग देखते नहीं, हम लोग समझते नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको लिखा जाए। लिखिएगा आप, लिखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन अच्छा बताइए, जैसे ही मैंने एक्वस लिखा, एक्वस का मतलब क्या हुआ, एक्वस का मतलब क्या हुआ बाबू, यहां पे जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। दिमाग में, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स टेन परसेंट डब्लू बाई डब्लू ऑफ क्या चीज, NaCl, सही है, 10% डब्लू बाई डब्लू ऑफ क्या चीज, NaCl, बस इतना ही लिख दिया। अब इससे आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है, या लिख देगा ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे 10% डब्लू बाई डब्लू सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, दोनों एक ही चीज है, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अगर ये 10% W बाय W लिखा है बाबू ऑफ क्या चीज, NaCl, बाय द वे ऐसे ही लिख देते हैं, NaCl है, ठीक है। इससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ये किसको डिनोट कर रहा है, सॉल्यूट, और ये किसको डिनोट कर रहा है, सॉल्वेंट। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। 10% डब्लू बाई डब्लू का मतलब क्या हुआ, कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब यही ना हुआ, 10% डब्लू बाई डब्लू का मतलब हुआ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लिखा जाए, देखेंगे 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, अच्छा बताओ यहां पे सॉल्यूट क्या होगा बाबू, आपका होगा NaCl, 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, एक मैं समझा रहा हूं बाकी आप तुरंत समझिएगा, प्रेजेंट इन क्या चीज, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ क्या चीज बाबू, सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अब यहां पे आप क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो बाबू, सबसे पहले अगर पूछा जाए वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से देखिए क्या क्या निकल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, तो आप लिखेंगे 10 ग्राम, 10 ग्राम, पहला पॉइंट। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर पूछा जाए तो क्या लिखोगे, 100 ग्राम, ये किसके लिए है बाबू, NaCl के लिए, सही है। अगर आपसे पूछा जाए वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट बोलिए क्या होगा, 10 और ये क्या है, 100, क्या कर देंगे बाबू, 100 माइनस 10 क्या होगा, 90 ग्राम। और यहां पे सॉल्वेंट आपका क्या है, इज नथिंग बट क्या चीज, वाटर, क्या है, वाटर है, एक्वस। इतना चीज आपसे निकल गया, समझिए
एक पॉइंट से केवल इतना चीज आपसे निकल जा रहा है। ठीक है बाबू, इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद इसका मोल भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या चीज? मोल। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए बाबू, एक बार मैं फिर इसको लिख रहा हूं, देखिएगा। 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए एक चीज मैं पहले बता दे रहा हूं, जो नहीं मोल जानते हैं, मोल का थोड़ा सा तड़का ले लीजिए बाबू। ये मोल, मोल का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूलर, एटम रहा तो एटॉमिक वेट। जैसे 2 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 2 ग्राम ऑक्सीजन एटम, बोलेगा मोल निकालो, मोल निकालेंगे। मोल इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है बाबू, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन एटम फॉर्म में एटॉमिक वेट क्या होता है ऑक्सीजन का, 16, 2 by 16 कितना हो गया, 1 by 8। अब आपको कम से कम एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर यही दे दिया 4 ग्राम ऑक्सीजन O2 जैसे ही लिखा, दैट इज कॉल्ड क्या चीज, मॉलिक्यूल। यहां पे मोल क्या होगा, 4 by how much 16 32, एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, तो 4 by यहां पे भी क्या होगा, 1 by 8। तो मोल का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आपका ये, गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट। एक फॉर्मूला और होता है, दो कम से कम याद रखिएगा आप लोग, वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, जो नहीं जानते हैं, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। वॉल्यूम भी आपका क्या चीज में रहना चाहिए, लीटर में। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, 11.2 लीटर O2 गैस ऐसे दे दिया और बोला इसका मोल निकालने के लिए, तो मोल इज इक्वल टू 11.2 by 22.4 कितना आ गया बाबू, 1 by 2, 1 by 2। तो मोल का एक फॉर्मूला याद रखिएगा आप, पहला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, जो लिखना है लिख लीजिएगा, और दूसरा वॉल्यूम बाय 22.4। ये सब चीज यूज होगा बाबू, ये यूज होगा। अब इसका यूज कहाँ है, इंटर कन्वर्जन में, आप आराम से इसमें निकाल सकते हैं। कैसे, अगर दे दिया वॉल्यूम, वॉल्यूम दे दिया, मान लेते हैं O2 गैस दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, अब पूछेगा उसका वेट क्या होगा, तो वॉल्यूम कितना है, 11.2 by 22.4, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हैं 32, तो वेट आपसे निकल जाएगा। मीन्स कोई भी चीज़ अननोन होगा, मीन्स ये दोनों चीज़ अननोन होगा, आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो नहीं जानते वो नोट कीजिए बाबू, जल्दी से जल्दी नोट कीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे आइए, देखिए ये सब 11th ही का है बाबू, 11th में भी ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए 10% डब्ल्यू बाई डू डब्ल्यू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, मतलब क्या हुआ, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, अब क्या क्या चीज निकाल सकते हैं इससे हम लोग, चलो बोलो, NaCl क्या है, सॉल्यूट है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट इसमें क्या है बाबू, NaCl कितना ग्राम, 10 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट क्या होगा बोलिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 - 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम, और यहां सॉल्वेंट क्या है, H2O। ये तीन तो निकल ही जाएगा बाबू, फोर्थ पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं, क्या चीज, मोल ऑफ सॉल्यूट, बोलिए क्या होना चाहिए, मोल ऑफ सॉल्यूट। देखो केवल एक वर्ड लिखा हुआ है बाबू, बस एक लाइन, उससे हम लोग इतना चीज डिराइव कर सकते हैं, बहुत इजी होता है अगर थोड़ा समझ जाइएगा तो।
ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन वेट ये है, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बोलेगा, Na का कितना बाबू 23 और क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया 58.5। बताओ वाटर का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वाटर 2+16 हाउ मच 18, इतना आप लोगों को याद रहना चाहिए बाबू, ठीक है, याद जानते भी होंगे आप लोग। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, गिवेन वेट कितना है 10, सॉल्यूट यहां पे क्या लिख रहे हैं बाबू NaCl 10, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट क्या है बाबू NaCl का 58.5, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यहां से मोल निकल गया। अब एक चीज और, मोल ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट आपका क्या है वाटर, वेट क्या होगा बाबू गिवन वेट 90, इसको आप लोग खुद से डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है बाबू, जो इजी होता है मैं नहीं डिवाइड करता, आप लोग खुद कीजिएगा, और डिवाइडेड बाय H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18, आप लोगों को डिवाइड नहीं करना है, मैं कर दूंगा, थोड़ा टफ है ये, चलिए कितना बार में होगा बाबू 5, कितना मोल आ गया 5। अब सोचो एक लाइन दिया हुआ है, ये एक लाइन, इस लाइन से आप क्या क्या चीज डिराइव कर लिए 1, 2, 3, 4 और क्या चीज 5, और आगे यही सब चीज हम लोग को काम करेगा, अगर थोड़ा बेसिक अच्छा है बहुत अच्छा होगा बाबू, ठीक है, तो पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं बाबू, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नाम ही से पता है कुछ याद नहीं रखना है, ये वेट किसके लिए है सॉल्यूट के लिए, यार ये वॉल्यूम किसके लिए है सॉल्यूशन के लिए, क्या बोलिएगा आप, वेट है मींस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्या चीज में होना चाहिए, वेट है तो ग्राम में होगा, प्रेजेंट इन वॉल्यूम है बाबू 100 लीटर नहीं ml, ग्राम के साथ ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए यहां पे क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किस चीज में ग्राम, दिख ही रहा है भाई, वेट बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट ऊपर वाला क्या होगा हमेशा सॉल्यूट और नीचे वाला सॉल्यूशन, ठीक है, चलिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैच में ग्राम में, प्रेजेंट इन कितना में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बाबू, चलिए तो यहां क्या लिखेंगे परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी, क्या होगा बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखने का जरूरत में नहीं, आप लोग तो जानते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या चीज में ml में, याद रखना ml में बाबू, इनटू 100, कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं 10%, यही ले लेते हैं w बाय v एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जो चीज निकाल सकते हैं निकाल के दिखाइए हमको, चलिए फास्ट, वेट ऑफ सॉल्यूट जितना चीज निकाल सकते हैं निकालिए जल्दी से फास्ट, पॉज कीजिए बनाइए तभी मजा आएगा पढ़ने में बाबू, अदरवाइज नहीं मजा आने वाला है, ये पूरा सॉलिड स्टेट पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है, आराम से पढ़ लिए, लेकिन यहां पे खुद से बनाइए, पॉज कीजिए बनाइए, मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं दे रहा हूँ, शॉर्ट वीडियोज दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, चलिए 10% W by V aqueous solution of NaCl, चलो क्या होगा, क्या लिखेंगे 10 ग्राम ऑफ, अगर लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ aqueous solution, एक लाइन का डेफिनेशन इतना हो गया, देख लो प्रॉब्लम नहीं, चलो देखो निकालिए वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा 10 ग्राम, सही है, दूसरा पॉइंट, अच्छा वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखे या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखे,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम दिया हुआ है, चलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml. अब बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट हाउ मच, ये 100, ये क्या चीज 10, क्या करेंगे बाबू 100 माइनस 10 कितना आया 90. कर लिया आप लोग सब, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू, सही है? बिल्कुल ही गलत है ये, यहां पे ये ट्रीटमेंट नहीं होगा, शायद बहुत कोई निकाले भी होंगे, नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बाबू? रे देख ये क्या है, एमएल में है और ये क्या चीज में, ग्राम में, दोनों यूनिट सेम रहेगा तभी ना माइनस करेंगे, एक ही यूनिट में कर दीजिएगा, नहीं तो यहां पे थोड़ा सोच समझ के आपको करना है, सही है? चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, अगला खुद से आप लिख के तैयार रहिएगा. कौन सा? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट. चलो जल्दी से खुद से तैयार कीजिए जल्दी. चलो बाबू देखते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा. अब तो आप लोग एकदम तेज हो गए हैं बाबू. वॉल्यूम किसके लिए हो गया? सॉल्यूट के लिए. वॉल्यूम किसके लिए हो गया? सॉल्यूशन के लिए. मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. चलिए क्या लिखेंगे, बोलिए. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब अमाउंट क्या चीज में है, मिलीलीटर में, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं. अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. अब तो आप तेज हैं, तो परसेंटेज वी बाय वी क्या होगा, बोलिए. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आराम से आ जाएगा आपको तुरंत तुरंत, ठीक है? अगर यहां पे ले लेते हैं हम लोग 10% वी बाय वी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या है? H2SO4, ठीक है? चलिए क्या होगा, जो जो चीज निकाल सकते हैं जल्दी से निकालिए बाबू, फास्ट निकालो, ठीक है? चलिए पहले इसको बढ़िया से डिफाइन कर लेते हैं. मींस क्या होगा बोलो, 10 ml ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है? तो सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट H2SO4 कितना होगा 10 ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml. वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहां पे क्या है, H2O, हाउ मच 100 माइनस 10 कितना बाबू 90 ml. अब बोले यहां पे मल्टी माइनस क्यों कर दिए, क्योंकि दोनों यूनिट क्या था, सेम, सही है? अगर ये 10 और टोटल 100 है तो ये क्या होगा 90 ml. अब बताओ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना बाबू 10. मोल का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर था, अगर नहीं रहा तो ऐसे 22400 क्या चीज ml, सही है? चलो तो क्या लिख देंगे, 22400 मोल निकल गया सॉल्यूट का,
मोल ऑफ सॉल्वेंट। बाबू रे देख, बहुत इजी हो जाएगा अगर इतना ऐसे समझिएगा तो, नहीं तो बाद में फॉर्मूला तो रटना ही है, लेकिन ऐसे समझिए आप, बेटर रहेगा आपके लिए। मोल ऑफ सॉल्वेंट बोलिए 90/224000, निकालने की जरूरत नहीं है, बस एग्जांपल है ये। अगर एग्जामिनेशन में पूछा तो ऐसा क्वांटिटी देगा जो तुरंत क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो, ठीक है। चलिए ये रहा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नोट डाउन कर लीजिए इसको, नोट किया तुम लोगों को तो याद हो गया होगा। चलिए मिटा रहा हूं इसे, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट, सेम वही चीज, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन व्हाट, मिलीलीटर, वॉल्यूम है, प्रेजेंट इन, अपने लैंग्वेज में जो मन है वो लिखिए बाबू, प्रेजेंट इन क्या लिखेंगे, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। परसेंटेज वी बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। नोट कर लीजिए बाबू। चलो बाबू ये 3-4 क्वेश्चन है, बना के दिखाइए, पॉज कीजिए और बनाना स्टार्ट कीजिए, बन जाना चाहिए फास्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन। 20 ग्राम ऑफ C2H5OH इज इन कितना, 200 ग्राम सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज W बाय W। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास, याद रखिएगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड परसेंटेज बाय कैच इज मास, माने परसेंटेज निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, मास का। तो ये याद रखना, 20 ग्राम क्या है बाबू, C2H5OH, C2H5 यहां पे क्या है, सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट। चलिए तो परसेंटेज W बाय W कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बाबू, 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू सॉरी 200 बाय कैच इज 100, क्या होगा, सब आपस में कट, ये कितना आ गया, 10% W बाय W आया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। यहां देखिए 10 ml ऑफ H2SO4 इज इन कितना, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज वी बाय वी। देखो यहां देखिएगा बाबू, परसेंटेज वी बाय वी क्या होगा बाबू, बोलो, ऊपर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए क्या होगा, 10 बाय कितना, 500 इंटू 100, 000 कट किया बाबू, कितना आ गया, 2% डब्ल्यू बाय वी। अब ये इतना क्वेश्चन है, इसको आप क्या कीजिए, बनाइए जल्दी से। देखिए घर में बैठे हैं बाबू, जब तक बनाइएगा नहीं तब तक समझ में आने वाला नहीं है, फिर तो ये रटंत हो जाएगा। कुछ नहीं, ये दिए हुए हैं, इसमें सब चीज़ आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलिए एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स इतना परसेंट कैलकुलेट, ये वेरी गुड। चलिए फास्ट जल्दी, क्या दिया हुआ है, 28% KOH बाय W बाय W, मीन्स वेट परसेंटेज है ये, ठीक है। देखो 28% W बाय W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH है, यही क्वेश्चन है। तो अब डायरेक्ट उतना लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं बाबू, क्योंकि आगे 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 आएगा तो ये परेशान करेगा आपको। यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्या कीजिए, समझ जाइए। तो चलिए बोलिए, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हुआ,
सॉल्यूट आपका क्या है यहाँ पे KOH, हाउ मच 28 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बाबू, परसेंटेज है ही तो क्या लिखेंगे 100 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 100 माइनस 28, और यहाँ पे सॉल्वेंट आपका क्या है H2O। जब तक एक्वस नहीं दिया रहेगा तो आप तो सॉल्यूशन आप सॉल्वेंट आप नहीं मान सकते हैं, लेकिन जनरली क्या दिया रहता है एक्वस, तो एक्वस में कभी भी होगा, पहले ही बता दिया एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट आपका क्या होगा H2O होगा, ठीक है। कितना आएगा बाबू 2, हाउ मच 8 ना बचा, कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 72, 72 क्या चीज ग्राम। अब बताइएगा मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, मोल, तो बताओ KOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KOH हाउ मच, KOH का कितना होता है 39, पोटेशियम का 39 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस 1 कितना हुआ 39 56। तो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होगा 28 ग्राम दिया हुआ है बाय 56 इज इक्वल टू 1/2 ग्राम, 1/2 मोल, हाफ मोल हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना ग्राम है बाबू 72, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 18, कितना होगा 4 मोल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है, एक दो क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, बनाइए बाबू बढ़िया से, चलिए नोट कर लीजिए इसको पहले। चलिए बाबू अब आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दिया हूँ जिसको आपको बना के रखना है, अगले क्लास में जब लेक्चर स्टार्ट करूँगा सबसे पहले यही क्वेश्चन बनाऊँगा तब आगे बढ़ूँगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करके दिखाना है, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग बनाना स्टार्ट कीजिए, दिमाग लगाओ कैसे बनेगा फास्ट। ठीक है चलिए देखते हैं, जब तक नहीं बनाएगा वो कुछ नहीं होने वाला है, ट्राई कीजिए जरूर, ठीक है। यहां देखिएगा, अच्छा बताओ 28% W/W ऑफ KOH दिया हुआ है, हैज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज W/V, चलिए ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं 28% W/W का मतलब क्या है, क्या होगा बोले तो, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना 28 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, सॉल्वेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है चलो। और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है बाबू 1.25 ग्राम। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन हम लोग क्या करना है W/V निकालना है, चलिए परसेंटेज W/V, वेरी गुड। ऊपर में क्या रखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी आपको कितना दिया हुआ 28 ग्राम, रखो 28 ग्राम बाय V लिख रहा है, और यहाँ इंटू क्या होगा 100, 100 तो रखना ही है। अब यहाँ पे क्या है वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना देखे आपको क्या दे दिया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ क्या चीज सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.25, देखो 1.25। एक चीज मैं बता दूंगा, एक फॉर्मूला भी बता दूंगा इसका, ठीक है, बट देखिए बाबू आप कैसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है 1.25 और ये क्या दिया हुआ है 100 और ये क्या चीज V, तो V इज इक्वल टू क्या होगा 100 बाय 1.25, वॉल्यूम निकल गया आपका, वॉल्यूम यहां क्या कीजिए पुट कर दीजिए 100 बाय 1.25 क्या होगा बोलो, 100 कट 28 इंटू 1.25 दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन को समझिए और बन जाएगा वो क्वेश्चन, अब इसी को बुक्स में फॉर्मूला से भी बना सकता है, कैसे
देखिए फार्मूला रटते रटते हालत ख़राब हो जाएगा बाबू आपको, बहुत सारा फार्मूला निकल सकता है। देखिएगा परसेंटेज डब्लू बाय भी लिख लिया है क्वेश्चन, यहाँ देखिए एक फार्मूला लिखा है, यही ना है आंसर बाबू, दिस इज द आंसर। देखिए परसेंटेज डब्लू बाय भी इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला क्या हो गया, ये क्या था 28 क्या है परसेंटेज डब्लू बाय डब्लू, देखो परसेंटेज डब्लू बाय डब्लू इंटू डी, फॉर्मूला बन गया। देखो परसेंटेज डब्लू बाय डब्लू कितना था 28 लिख दिए और डेंसिटी क्या हुआ 1.25। तो इस तरह से बाबू हम लोग छोटा सा एक सेक्शन क्या कर लिए, खत्म कर लिए कंसंट्रेशन रिप्रेजेंटेशन का। अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, बना के देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, अच्छा से बनाइएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको।